आदि बेटा, हम ये पोषण तुम पर डालने वाले, कुछ नहीं होगा, सब ठीक हो जाएगा। अब अपना हाथ उठाने की कोशिश करो। करो, लेकिन नहीं छूट रहे। ये पोषण या द्रव्य तो काम नहीं कर रहा। इसका मतलब है कि उस अंडे की शक्ति बढ़ती जा रही है। इसका मतलब हमारा आदि अभी ऐसे ही रहेगा। बाबा, कुछ करिए प्लीज। आदि को कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं होगा बेटा, सब ठीक हो जाएगा। इस प्रॉब्लम का कोई ना कोई सलूशन जरूर होगा। दी, हम लैब जाते हैं और इसका सलूशन ढूंढने की कोशिश करते हैं। आप में से कोई भी आदि को छुइएगा मत। मैं जानता हूं आप लोग परेशान है, लेकिन प्लीज इसे छुओ मत। निशानी जल्दी आइएगा। आदि, बेटा, मैं जानती हूँ आपको बहुत दर्द हो रहा है। बेटा, आप अपनी क्लास में सबसे टॉल हो, है ना? आज आप प्रूफ कर दो कि आप दर्द से भी टॉल हो। दर्द भी आपके आगे छोटा है। आप सबसे स्ट्रांग है ना? स्ट्रांग बच्चे गिव अप नहीं करते। बेटा, हम कोई ना कोई सलूशन जरूर निकाल देंगे। आप बिल्कुल डरना नहीं, ओके? आई नो मम्मा, आप और पापा इस प्रॉब्लम को भी फाइट करके हरा दोगे। आदि, आदि, बेचारे अंशु और पिया, कोई भी अपने बच्चों को ऐसे तकलीफ में नहीं देख सकता। चिंता मत करो वेदिश्री, देवी माँ है ना हमारे साथ, वो हमारे आदि को जल्द से जल्द ठीक करेंगे। और निशान जी गए हैं ना, वो जरूर कोई ना कोई हल निकाल लेंगे। आदि, आप चिंता मत करो। हाँ बेटा, आपके नानू पापा आपको जल्दी से ठीक कर देंगे। कोशिश करती हूँ। नहीं छूट रहा। बस थोड़ी देर और। अरे मिसेज जी, अरे यार, तुम काम को छोड़ के चली गई यार। अबे चुड़ैल मिसेज, तुमको पता नहीं है मिसेज क्या होती है? हाँ, वाइफ दुख दुख की साथी होती है। और तुम हो कि हमको ये प्रॉब्लम में, ये मुसीबत में हमको अकेला छोड़ के चली गई। पति देव जी, और तो और, भरी जवानी में हमारे साथ कितना अन्याय हुआ है। हमारी मदद कीजिए, पहरे हो गए हम, और तुम भी हमको छोड़ के चली गई। नहीं 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 नहीं, गलत है। पति देव जी, हम यहाँ हैं, हमारी मदद कीजिए। अब ना तुम्हें बचाने वाला कोई है, ना ही इसे रोकने वाला कोई। उसे ढूंढने जिसने मेरे बेटे की ये हालत की है। अंश, हम सब जानते हैं आदि की हालत उस अंडे को छूने की वजह से हुई है। वो अंडा हमारे घर में था, लेकिन अब वो अंडा कहाँ है, घर पर है भी या नहीं, हम नहीं जानते। कहाँ ढूंढोगे? तो क्या करूं भैया,
हाथ पे हाथ धरे हति को तकलीफ में देखता रहो। इस वक्त हमारा आदि के पास रहना ज्यादा जरूरी है। इतना बेबस और लाचार मैंने आज तक महसूस नहीं किया। अपनी शक्तियां होने के बावजूद मैं आदि के लिए कुछ नहीं कर पा रहा, ना ही अपनी फैमिली को प्रोटेक्ट कर पा रहा। अंश, ये तुम क्या कह रहे हो? अंश, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। मुझे स्वर्ग द्वार से वापस तुम ही लेकर आए थे। अगर तुम नहीं होते तो आज मैं जिंदा नहीं होती। अंश, और मुझे तुम पर पूरा यकीन है। जिस तरह तुम मुझे मौत के मुंह से वापस लेकर आए थे, तुम आदि को भी कुछ नहीं होने दोगे। पता नहीं 6 साल बाद ये सब वापस। अंश, कहीं तुम्हें कोई अफसोस तो नहीं है ना? मेरा मतलब परिका और मेरा इस घर में वापस आना और हमारी शक्तियों का वापस आना कहीं। प्रिया प्लीज, दोबारा ऐसा सोचना भी मत। तुम्हारा और परिका मेरी जिंदगी में मेरे घर में वापस आना इकलौती खुशी है जिसे मैंने 6 साल में सेलिब्रेट किया है। सिर्फ मैं ही जानता हूं तुम्हारे बिना ये 6 साल मैंने कैसे गुजारे। हर रोज मरा हूं मैं। तुम मेरी ताकत हो पिया, तुम हो तो मैं हूं, तुम हो तो हम सब हैं। और जब तक हम साथ हैं हम हमारे बच्चों को कुछ नहीं होने देंगे। मैं बाबा से पूछती हूँ, उन्हें कुछ पता चला कि नहीं? और मैं आदि को संभालता हूँ। और कितना खाओगे? ऐसा लग रहा है जैसे जन्मों के भूखे हो। ऐसा पहली बार होगा। एक काली शक्ति दूसरी काली शक्तियों को खत्म कर रही है। वैसे तुम्हारा मर जाना ही अच्छा है। प्रलय युद्ध के समय तुमने रीवा वंशियों का साथ दिया था ना? ये उसी की सजा है। नमन को भी फोन करके बुलाना होगा। मिसेज जी, अबे कैसी मिसेज हो यार? लगता है ये लोग आ गए। जल्दी करो,